हाय दोस्तों, कहते हैं कि आईज आर एक्सप्रेशन ऑफ माइंड। हमारी बॉडी में आईज ऐसा ऑर्गन है जो हमारी पर्सनैलिटी को वेरी क्लियरली डिपिक्ट करती है। अगर हमारी थॉट प्रोसेस क्लियर हो और हमें क्लियर है कि हमें जिंदगी में क्या चाहिए और हमारी इंटेंट क्लियर हो, तो हम लोग अपनी आई दूसरे की आई में डाल के बात करते हैं, जिसे बोलते हैं आई कॉन्टेक्ट टॉक। लेकिन अगर हमारे मन में कोई छल कपट हो और वी आर नॉट क्लियर अबाउट अवर थॉट प्रोसेस, फिर हम लोग किसी से आंख मिला के बात नहीं कर पाते। तो भगवान ने बहुत अच्छा ऑर्गन बनाया, बहुत बढ़िया ऑर्गन बनाया, जिससे हम अपने जज्बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं, चाहे वो खुशी के आंसू हो, चाहे वो गम के आंसू हो, लेकिन आंखें उनको बहुत क्लियरली डिपिक्ट करती हैं। और वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड, वो इतने बढ़िया आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने आई की प्रोटेक्शन के लिए आईलिड बनाई है और इसकी लुब्रिकेशन के लिए उन्होंने जो सिस्टम दिया है, इतना उम्दा और इतना बढ़िया सिस्टम दिया है कि हमारी आंखें एक स्वस्थ ऑर्गन की तरह पूरी लाइफ काम करती है। दूसरा दोस्तों, आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि लोग अपनी आईज में लेंस डालते हैं विद डिफरेंट कलर्स, और कई बार आप शेड्स डालते हो टू लुक योरसेल्फ अ वेरी हैंडसम और स्मार्ट। बट मेरा ये मानना है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। हमें अपने जज्बात और अपने करेक्टर से अपने आप को डिपिक्ट करना है, ना कि अपनी बनावटी सुंदरता से। दूसरा, एक और बहुत नेचुरल चीज है, हम लोग आलमंड खाते हैं, आलमंड की शेप और आईज की शेप ऑलमोस्ट सेम होती है। तभी बुजुर्ग कहते हैं कि हमें रात को 5 बादाम भिगो देने चाहिए पानी में और सुबह उठ के उनको खाना चाहिए, जिससे हमारी आईज बहुत हेल्दी रहती है। और हमें विटामिन ए का भी सेवन करना चाहिए, लाइक कैरेट्स एंड लाइक अदर थिंग्स विच आर कंसिडर्ड अंडर विटामिन ए। और कभी आप देखिए कॉर्पोरेट में कभी या अपनी रोजाना जिंदगी में, हम लोग एक ब्लाइंड फोल्ड गेम खेलते हैं, आंखों में पट्टी बांध के रखते हैं और जैसे बोलते हैं ना, आपकी आंखों में पट्टी पड़ गई है। लेकिन उस दौरान अगर आप वो गेम खेलते हो तो आपको ये रियलाइज हुआ कि आंखों की इंपॉर्टेंस क्या है और आपकी बाकी के सेंसिटिव ऑर्गन आपकी हेल्प करते हैं। तो हमें भगवान का शुक्र गुजार होना चाहिए कि उसने हमें एक अच्छा ऑर्गन और एक ऐसा बढ़िया ऑर्गन दिया है लाइफ में। और जरूरी नहीं कि आप आंखों से देखते हो, कई बार अकल पे भी पट्टी पड़ जाती है, लेकिन आईज ही आपको वो सारी पट्टी को साफ करने में हेल्प करती है। दोस्तों, जाते जाते मैं एक शेर बयान करना चाहता हूं कि खंजर क्यों पकड़े हो हाथ में ऐ ज़ालिम, खंजर क्यों पकड़े हो हाथ में ऐ ज़ालिम, कत्ल के लिए तो तेरी आंखें ही काफी नहीं। रिक्वेस्ट है आपको, लेट्स टेक ए प्लेज कि मरने से पहले हम अपनी ये आंखें किसी को दान कर कर जाएं, ताकि कोई ना कोई इंसान इस भगवान की बनाई हुई सुंदर दुनिया का नजारा देख सके। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू।